ये रही नए जंगल एडवेंचर मोड की लॉबी, और सारे प्लेयर्स टोटम को प्रे करने में लगे पड़े हैं, कहीं लॉबी में ही तो नहीं वेपन्स वगैरह दे देंगे। नहीं, लॉबी में प्रे करने से बस बैरियर टोटम ही मिल रहे हैं। चलो फिर ये मैच शुरू होने वाला है, बूट कैंप वगैरह नहीं जा रहे, सीधा यहीं आने वाला हूँ मैं। मार्क वार्क लगा लो भाई, देखते हैं कितने प्लेयर्स आते हैं। वैसे तो जो रैंक पुशिंग कर रहे होंगे मुझे तो नहीं उम्मीद वो यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ प्लेयर्स आ जाएं, चेक करते हैं। ये डुओ लॉबी है गाइस, स्क्वाड में तो मैं अकेला सैनॉग मैप में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए डुओ मैच लगाया हुआ है। लग रहा है भाई कोई नहीं आया, डुओ के अंदर भी सैनॉग मैप में दबा के रैंक पुशिंग चल रही है शायद। वो देख गया सामने जंगली डांस वाला स्टेज, अब चलो फटाक से देख लेते हैं भाई क्या क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं अब ये टोटम। कूदने से पहले ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं यार, तो ये म्यूजिक डाल के प्रॉपर ट्राइबल फील दे रखी है पबजी मोबाइल ने इस मोड में। लेकिन आ तो नहीं रहा कोई, और यहाँ कभी उतरती पेल दे। नहीं है भाई कोई नहीं है, चलो पूजा करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है प्रे करने से। ओहो, पहले ही टोटम ने M416 दे दी भाई। चलो दूसरे में चेक करते हैं अब क्या मिलता है। है क्या कोई ऊपर? नहीं है। है इसने तो कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब ऐसा भी होता है। चलो कोई नहीं, तीसरे में देखते हैं क्या मिलता है। सही है भाई, स्कोप नीड वगैरह दे रहा, पर स्कोप छोटा दिया है, 3x ही दे देता तो सही रहता। अच्छा, ये इसने आगे ड्रॉप कर दिए, मुझे लगा इसने कुछ भी नहीं दिया। दिए है भाई, दिए हैं। लेवल 3 वेस्ट और मेडकिट दोनों मिल गए, सही है, बढ़िया है। अभी तो 3 और टोटम बचे हैं, चलो देख लेते हैं क्या मिलने वाला है इनमें। लेवल 2 वेस्ट और 1 फर्स्ट एड। नेक्स्ट टोटम, ओह 6x स्कोप, नाइस। आखिरी टोटम बचा, अब इसमें भी देख लेते हैं। वैसे फ्लेयर गन वगैरह नहीं मिली अभी तक इनमें से एक भी, फ्लेयर गन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। QBU स्नाइपर राइफल और थोड़ा और 5-point ammo। हो सकता है मैं डुओ खेल रहा हूँ इसलिए लूट थोड़ी कम मिली है, स्क्वाड में भी थोड़ी ज्यादा मिलती हो। अगर आप में से कोई इसका स्क्वाड मोड खेला अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि लूट कितनी मिल रही है स्क्वाड मोड में, इतनी मिल रही है कि इससे ज्यादा मिल रही है। क्योंकि अगर इतनी लूट मिल रही है भाई तो फिर स्क्वाड का यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो बूट कैंप या पैराडाइज ही जाओ, उसके बाद आओ यहाँ पर। रेड जोन से बाल बाल बचाओ अभी, लगता कोई है आजू बाजू। फुटस्टेप्स आए, वो रहा उजी है भाई, उजी है, कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी अब तो। फेक नेट ट्रिक लगा के देखता हूँ। फंस गया जाल में भाई, कैसे? थोड़ी देर रुक तो लेते, नेट की पिन खुलते ही दौड़ाए, कोई बेवकूफ भी तो बना रहा हो सकता है तुम्हारा। हो गए नॉक, लग रहा है ये भाई रैंक पुश कर रहे हैं, होगा तो इनका कहीं टीममेट भी है अगल बगल, देखते हैं कहाँ है। और फुटस्टेप्स, पीक किया तो खेल खत्म है। चलो भाई आगे चले हम, और ये सामने एक और टोटम दिख रहा है, ये देखते हैं क्या देने वाला है। बैरियर टोटम, 4x स्कोप और नेड। बैग में स्पेस ही नहीं है, नेड कैसे डालूं, स्कोप तो पड़ा पहले से। चलो आगे चलते हैं, एक और टोटम होना चाहिए इसके आसपास ही, वो रहा वहां पर। गाइस यही वो येलो कलर टोटम है जिससे फ्लेयर गन मिलने के चांसेस रहते हैं। ये कौन है? चलो भाई केडी मेंटेन हो गया, दे 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 फ्लेयर गन, दे 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 दे। ओ नहीं, दी वेस्ट और मेड किट दिया है। चलो फिर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चल रहा है इस मोड में। ओहो, ये भाई तो गर्मियों की छुट्टियां यही मना रहे हैं सैनॉग मैप में, इन्हें किसी का डर नहीं है। तो ये रहा भाई जंगल फूड, इसे खा ले फटाक से, सामने फाइट चल रही है शायद। भाई ये उजी कथी जहर गन है, 1 सेकंड से भी कम में बहुत तगड़ा डैमेज देती है। इनका कुछ तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, रोटेट करके चलता हूँ, इन पत्थरों के पीछे से आगे जाने की कोशिश करता हूँ अब। तो ये है एक इंटेंस सिचुएशन, दो भाई पत्थर के पीछे बैठे हैं, उनमें से एक भाई को रिवाइव किया जा रहा है, रिवाइव हो गया तो निकल के कोई भी मुझे पेल सकता है।
हील करने का मौका नहीं दूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है इनके पास जाके इन्हें फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। चलो बच गए इस बार तो, इन भाई के पास हेलमेट नहीं था। जंगल एडवेंचर मोड में गाड़ी घुमा लेते हैं, टोटम ही टोटम दिख रहे हैं हर जगह। आसपास कोई हॉट एयर बलून हो तो वहां चलते हैं, ऊपर चढ़ के देखते हैं, वहां से भी तो एनिमीज दिख जाएंगे गाइस। खैर सेनॉक मैप में गाड़ी लेके घूमना है तो रिस्की काम, और मैं हूं भी अकेला, पर मैं कौन से रैंक पुश कर रहा हूं, जस्ट फॉर फन। यही कहीं तो ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप के पास चल के देखते हैं, क्या पता कोई दिखी जाए। यहाँ लगाते हैं अपनी गाड़ी और यहाँ से पैदल ही चलते हैं, क्योंकि इससे आगे तो गाड़ी की आवाज सुनाई दे ही जाएगी उन्हें। कोई ना कोई तो जरूर आया होगा ड्रॉप लूटने। वो देखो सामने एक गाड़ी आके रुकी है, एक है या दो देखते हैं कितने लोग हैं। एक भाई ड्रॉप लूट रहे हैं, दूसरे भाई गाड़ी में ही सो गए। बहुत देर लगी यार नॉक करने में, इतनी देर तो नहीं लगती, इससे फास्ट तो सिंगल टैप में ही नॉक हो जाते हैं ये भाई। फिर से एक और इंटेंस सिचुएशन, सामने दो भाई पत्थर के पीछे बैठे हुए हैं, एक भाई रिवाइव किए जा रहे हैं, अगर रिवाइव हो गए तो पेल देंगे। अरे एक नेट बचा है मेरे पास, चलो भाई इनका खेल तो खत्म। बच गया, ये कैसे बच गया भाई, एक कैसे बच गया, पीछे को निकल के भाग गया हो शायद, नेट का डैमेज पड़ गया, एक का डैमेज पड़ गया, ये भाई तो मर के नहीं दे रहे। और अब तो नेट भी नहीं बचे, चलो टोटम फेंक के डराने की कोशिश करते हैं। चलो भाई बहुत देर कर ली इस गाड़ी की सैर, अब तो तेल भी खत्म होने वाला है, चलो इस हॉट एयर बलून पे ऊपर चढ़ के ढूंढ लेता हूँ, क्या पता कोई एनिमी दिख ही जाए। तो आवाज तो बहुत जबरदस्त कर रहा है, लेकिन ये जंगल म्यूजिक फिर से शुरू हो गया, चलो ये बढ़िया बात है। ऊपर से आसपास के पूरे मोहल्ले का व्यू लो, म्यूजिक भी सुनो, मजा ही मजा। चलो भाई दिख गए एनिमी, फटाक से अब जोन के अंदर चलते हैं, नहीं तो बाहर ही मारे जाएंगे। ओहो नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्प्रे का क्या फायदा ब्रो, स्प्रे कर रहे हो तो या तो नॉक कर ही दो आप मुझे, नहीं तो आप बचोगे थोड़ी। फिर एक तो भाई ये सेनॉक में लास्ट जोन आते आते इतना इंटेंस माहौल बन जाता है, बंदे दिखते ही नहीं है, कोई कहीं लेटा है, कोई कहीं लेटा है। अब ये कौन सप्रेस शॉट चला रहा है, बच गया मैं बाल बाल, नहीं तो इस बार तो मारा ही जाता। सो मेरे अलावा दो डुओ और शायद एक सोलो बचा हुआ है। स्मोक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इन सामने वालों को फिनिश करने की कोशिश करता हूं। लो भाई मजा ही आ गया, ये भाई तो सैंडविच हो गए पक्का, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये फिर से स्प्रे करने में हुई गलती, भाई नॉक होते होते बचे। अब एक और इम्प्रॉपर स्प्रे, ये भाई भी नॉक होने से बच गए। इन भाई के पास एडवांटेज है, थोड़ी सी भी अगर लगाएंगे तो मुझे मार देंगे बहुत आसानी से, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अरे अरे अरे, ओ बाल बाल बचा, नेट फेंको भाई, रश करेंगे तो फटेंगे। अब एक जंगल एडवेंचर मोड का इवेंट आया है, वो देख लेते हैं क्या है। ये मैच खेलने के बाद मुझे एक लॉस्ट ट्रंक मिला है और इस इवेंट का नाम है लॉस्ट ट्रेजर्स। ओके तो इवेंट 14 जून तक है,
इस इवेंट के रिवॉर्ड्स में हमें एजी करेंसी, बीपी करेंसी और ये मस्त सी दिखने वाली नई शर्ट भी मिलने वाली है। सो अब देख लेते हैं आखिर है क्या ये इवेंट। ये इवेंट जब तक चलेगा प्लेयर्स को टोटम्स में से लॉस्ट ट्रंक्स मिलने वाले हैं सैनोक में, ओके। और प्लेयर्स को ये लॉस्ट ट्रंक्स इरेंगल मैप में भी मिल सकते हैं स्पेशल क्रेट्स ओपन करने से, सही है। लेकिन एक लॉस्ट ट्रंक ही मिलेगा एक गेम के अंदर। तो उसके बाद क्या करना है, प्लेयर्स को आने के बाद लॉस्ट ट्रंक को ओपन करना है इवेंट पेज में, और जो पहला लॉस्ट ट्रंक होगा वो गारंटीड एक लिमिटेड टाइम आउटफिट रिवॉर्ड देगा, यानी कि दिन का पहला। और ये जो लॉस्ट ट्रंक है इनमें हमें टोटम फ्रेगमेंट्स भी मिल सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है लेकिन मिल सकते हैं। और हमें 7 फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करना है अपने ग्रैंड प्राइज को लेने के लिए, यानी कि ग्रैंड प्राइज यही मस्त सी दिखने वाली शर्ट है। इसके लिए हमें 7 फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने हैं और ये जो लॉस्ट ट्रंक्स है इनमें से हमें ये फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ग्रैंड प्राइज मिल जाने के बाद भी लॉस्ट ट्रंक्स कलेक्ट करते रह सकते हैं बाकी प्राइजेस के लिए। सो मेन बात ये है कि रोज सिर्फ 5 ही लॉस्ट ट्रंक्स कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 मैच खेलने का ही फायदा, उससे ज्यादा खेलेंगे तो लॉस्ट ट्रंक नहीं मिलने वाले। तो ठीक है, सिंपल सा इवेंट है ये, 14 जून तक के लिए आया है और डेली 5 मैचेस खेलेंगे तो हमें 5 लॉस्ट ट्रंक्स मिलेंगे, 6 मैच खेलेंगे तो छठा लॉस्ट ट्रंक नहीं मिलेगा, रोज 5 ही मिलेंगे। एंड जो ग्रैंड प्राइज ये शर्ट है इसके लिए हमें 7 टोटम फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने हैं और वो सारे टोटम फ्रेगमेंट्स हमें इन लॉस्ट क्रेट्स में से ही मिल सकते हैं। तो ट्राई मोड या फिर जंगल एडवेंचर मोड पे और भी कुछ इवेंट्स